आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले मैं लाइव क्लास में आपको पढ़ाया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स अर्थात चट्टान, इसको कहते हैं चट्टान, इसी को सैल भी कहते हैं, सैल या चट्टान। तो सैल या चट्टान किसे कहते हैं, एक परिभाषा ये भी पूछ सकता है एक नंबर में डायरेक्ट कि चट्टान किसे कहते हैं, आपके हिसाब से सैल किसे कहते हैं या चट्टान किसे कहते हैं। तो एक बात आप जान लीजिएगा, भूगोल की भाषा में चट्टान का जो तात्पर्य होता है, चट्टान की जो मीनिंग होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। जैसे हम चट्टान शब्द का उच्चारण कहते हैं, जैसे हम चट्टान कहते हैं, ऐसे हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत बड़े पत्थर का टीला बन जाता है, लेकिन वास्तव में वह चट्टान की डिफिनेशन नहीं है, वह चट्टान की परिभाषा नहीं है। चट्टान का तात्पर्य यह नहीं बहुत बड़े पत्थर का टीला या बहुत बड़ा चट्टान। देखिए चट्टान परिभाषा किसे कहते हैं, पृथ्वी की भू परपट्टी या पृथ्वी के क्रस्ट पर पाए जाने वाली वे समस्त पदार्थ जो बालू का पत्थर की तरह कठोर एवं चीका मिट्टी की तरह मुलायम है, वे सभी चट्टान कहलाती हैं। अर्थात पृथ्वी के भू परपट्टी या क्रस्ट पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ चाहे वो एकदम कठोर हो चाहे वह मुलायम है, वे सभी चट्टान कहलाते हैं। चट्टान का मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा टीला। अब यहीं से एक छोटी सी डिफिनेशन और आ जाती है कि मिट्टी किसे कहते हैं। मिट्टी पृथ्वी के भू परपट्टी या क्रस्ट पर पाए जाने वाले समस्त चट्टानों के चूर्ण को हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं या मृदा कहते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं रॉक्स। रॉक्स माने चट्टान या सैल होता है, आप सब जानते हैं। चट्टान को प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा गया है, वह तीन भाग कौन कौन से लिखा आपके सामने लिखा है, रॉक्स डिवाइडेड थ्री पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स थ्री मेजर पार्ट, तीन महत्वपूर्ण पार्ट है कौन कौन से, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स जिसे आप सब जानते हैं आग्नेय शैल कहते हैं, सेडिमेट्रिक औसादी या परतदार शैल कहते हैं, मेटामॉर्फिक जिसे रूपांतरित या क्षैतिज शैल कहते हैं। लेकिन अगर अध्ययन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहले सारे लोग पढ़ेंगे वो हम लोग जो पढ़ते हैं वो आग्नेय शैल पढ़ेंगे। देखिए ये है आपका आग्नेय, आग्नेय शैल या चट्टान, हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान पढ़ेंगे। अभी आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, देखिए अभी किस सबसे बनकर बना है, किस लैटिन भाषा की सबसे बना है जिसका तात्पर्य आग होता है, वह सब हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोग को महत्वपूर्ण बिंदु पर डायरेक्ट आते हैं। आग्नेय शैल किसे कहते हैं, मेरा टॉपिक क्या होगा, आग्नेय शैल किसे कहते हैं। देखिए जब ज्वालामुखी की उद्गार होने के बाद या ज्वालामुखी पर एक बार और समझा दें, इग्नियस मतलब आग होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उत्तप्त लावा मैग्मा बाहर आता है जिसके ठंडा होकर जमने से जो चट्टान बनती है उसे हम आग्नेय शैल या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। कब, जब ये ठंडा होकर जम जाती है, एक बात। अगली बात, अब हम लोग को आग्नेय शैल पढ़ने के लिए थोड़ी सी पुनः ज्वालामुखी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना ज्वालामुखी को हम इसके बेहतर तरीके से नहीं पढ़ सकते। अब देखिए ज्वालामुखी कहाँ से आ गया है, ज्वालामुखी क्या चैप्टर है या ज्वालामुखी क्या क्या रोल है। तो देखिए पृथ्वी के कष्ट से या को तोड़कर जब उत्तप्त मैग्मा या लावा बाहर आकर जम जाता है, उसके ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम आग्नेय शैल कहते हैं। जरूरी नहीं है कि सदैव ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ही उत्तप्त मैग्मा या लावा पृथ्वी के क्रस्ट पर आए, या कभी कभी जब धरारी उद्भेदन होता है तो कई लाख वर्ग किलोमीटर या कई हजार वर्ग किलोमीटर एक लंबी दरार पड़ जाती है, फिर उस दरार से उत्तप्त मैग्मा कहां बाहर पृथ्वी के क्रस्ट पर फैल जाता है, फिर उसके ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे कहते हैं आग्नेय शैल। अब आग्नेय शैल की कुछ विशेषताएं क्या है, देखिए आग्नेय शैल को हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं, अर्थात इसका एक नाम और है प्राइमरी रॉक्स। एक इग्नियस रॉक्स है, दूसरा क्या नाम इसका, प्राइमरी रॉक्स, प्राथमिक चट्टान। अब प्रश्न ये बन सकता है, पूछा जा सकता है कि भैया इसको प्राथमिक शैल क्यों कहते हैं। देखिए पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, मतलब हमारे पृथ्वी का जो जन्म हुआ था वो माना जाता है आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी अर्थात महाविस्फोटक सिद्धांत, और पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, किसके अकॉर्डिंग, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार।
है महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार। तो जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होने के बाद जो सबसे पहले चट्टान बनी या जिस चट्टान का सबसे पहले निर्माण हुआ उसे क्या कहते हैं, हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। कौन सा रॉक्स कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं या आग्नेय शैल कहते हैं, क्योंकि उस समय उत्तप्त लावा या मैग्मा के ठंडा होकर जमने से जो चट्टान बनी वह कौन सी शैल थी? आग्नेय शैल थी। इसलिए इसे आग कहते हैं, क्योंकि जब मैग्मा बाहर निकलता है उत्तप्त, जब लावा बाहर आता है तो इतना तप्त उत्तप्त होता है, इससे वो लाल दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम इग्नियस से मिला, अर्थात आग वाली चट्टान। ठीक, तो ये हो गया आपके आग्नेय शैल की छोटी सी डेफिनेशन। अब इसके विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी होती है, आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब इसके दो उत्तर हो सकते हैं, क्यों नहीं पाए जाते, ये भी तो होता है, क्यों नहीं पाए जाते। इसके दो रीजन है। पहला रीजन देखिए, जिस समय इस चट्टान का निर्माण हुआ था, जिस समय ये पृथ्वी पे चट्टान बनी थी, उस समय पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। जब कोई जीव जंतु नहीं था तो इस चट्टान में आग्नेय शैल इग्नियस रॉक्स में जीवाश्म होने की संभावना ही नहीं है। मतलब जिस समय ये बना था उस समय कोई जीव ही नहीं था, जब कोई जीवधारी नहीं था तो इसमें जीवाश्म नहीं आ सकता। एक कारण, दूसरा आते हैं, दूसरा कारण क्या है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है या दरारे उद्भेदन होता है, अर्थात हम आसान शब्दों में कह सकते हैं जब उत्तप्त मैग्मा धरातल या कक्ष पर आता है, उस समय उसका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड से लेके 3300 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है और इतना उत्तप्त होता है कि उसके संपर्क में जो भी वस्तु आती है वे सभी क्या हो जाती है? लावा हो जाती है। इस प्रकार उसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता। जैसे कल्पना करिए कि किसी स्थान पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ठीक, अब उसका जो मैग्मा है, उसका उत्तप्त जो लावा है, उसका तापमान आपको पता ही है। और ये भी जान लीजिएगा कि 1500 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पर शुद्ध लोहा पिघल जाता है, शुद्ध लोहा गल जाता है। अब उतने टेम्परेचर पे इसका क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, सुन लीजिए आप लोग। अब जब उत्तप्त लावा या मैग्मा का टेम्परेचर होगा ज्यादा, तो उसके संपर्क में जो भी वस्तु आएंगी गल के लावा हो जाएंगी। कल्पना करिए कहीं ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, वहीं पे गाय चर रही थी या गधा चर रहा था, गधा चर रहा था, लावा का उद्गार हुआ। अब लावा के संपर्क में गधा आ गया, और जब लावा के संपर्क में गधा आ गया और उसका टेम्परेचर कितना है, 3000 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि उत्तप्त लावा का तापमान बता रहा हूं 1500 डिग्री सेल्सियस पे शुद्ध लोहा गल जाता है। अब गधे क्या होगा, गल जाएगा था, पता भी चलेगा था गया कहां। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि इसका तापमान इतना ज्यादा होता है, उसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा, फॉसिल्स नहीं मिलेगी, माने इग्नियस रॉक्स में फॉसिल्स नहीं पाए जाते। उसके दो कारण, इसके उत्तप्त टेम्परेचर और अथवा इसका विनिर्माण काल। निर्माण काल का मतलब जिस समय चट्टान बनी थी उसमें पृथ्वी पर कोई चट्टान नहीं थी, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। दूसरा, लावा का तापमान इतना अधिक होता है कि कोई भी जीव जंतु जीवाश्म इसमें जाने के बाद पूरी तरह से गल के लावा को रूप धारण कर लेता है, इसलिए चट्टान में जीवाश्म नहीं पाई जाती। यह चट्टाने कठोर होती हैं, इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। आग्नेय शैल क्या होती है? रवेदार होती है। रवे क्या होते हैं? रवे दो प्रकार के होते हैं। पहले देखिए, रवे समझ लीजिए, जब यह ठंडा होकर जब चट्टान का रूप धारण कर लेती है, इसमें छोटे छोटे रवे पाए जाते हैं। रवे माने दाने टाइप के होते हैं, और रवे इसमें दो तरह के बनते हैं। एक, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी या लावा जब क्रस्ट के ऊपर आ जाता है तो तेज गति से ठंडा होता है, और एक होता है कि वह अपने स्थान को छोड़कर ऊपर तो आ जाता है किंतु उसकी ठंडा होने की गति क्या होती है, मंद। जैसे हम बता दें आपको, यह स्थान था, यहां से लावा उत्तप्त निकला, इतनी दूरी तक आने के बाद क्या हो गया, ऊपर नहीं तोड़ पाया। अब इतने स्थान पर क्या होगा, लावा जम जाएगा। बगल में देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो तोड़कर क्या हो गया, बाहर निकलना, यहाँ तोड़कर बाहर। अब यह लावा क्या होगा, अब जब लावा ऊपर आ जाएगा कष्ट को तोड़कर ज्वालामुखी उद्गार के बाद, तो यह हवा लगेगा, छांव मिलेगी, रात होगा, तो इसकी जो गति होगी ठंडा होने की, इसकी अपेक्षा तीव्र होगी। जब इसकी अपेक्षा इसकी गति तीव्र होगी तो इसके जो रवे हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगे, और ये तब तक चट्टान का रूप धारण कर लेगी जबकि ये धीरे धीरे ठंडा होगी, ये मंद गति से ठंडा होगी, इसलिए इसमें रवे क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। रवे दोनों पाए जाते हैं, लेकिन जो क्रस्ट के ऊपर आ जाता है उसके रवे विकसित नहीं हो पाते, और जो क्रस्ट के नीचे रहती है उसके रवे पूर्ण विकसित हो जाते हैं। तो आग्नेय शैल में रवे पाए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? चलिए।
और आगे बढ़ते हैं। अब इस चट्टान की विशेषता और होती है, इसमें परतें नहीं पाई जाती, वेट्स नहीं पाए जाते, इसमें परतें नहीं पाई जाती। ये परत के बारे में जान लीजिएगा। अब ये परत क्या होगी, जैसे मान लीजिए यह कोई चट्टान बनी, अब चट्टान बनने के बाद जैसे यह स्थान है यहाँ पे, यह चट्टान जम गई, लावा उद्गार बंद हो गया। अब कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद पुनः लावा का उद्गार हुआ, तो जब लावा का उद्गार हुआ तो इस स्थान को पहले से गला दिया। जैसे हम आपसे कह दें घर में आप पुराना घी रखे रहिए, उसे कढ़ाई में डाल दीजिए, वो गल जाए, कुछ देर बाद किसी दूसरे के यहाँ घी ला के उसे मिला दीजिए और दोनों पिघला के फिर कुछ देर के ठंडा कर दीजिए। जब दोनों घी आपस में मिल जाएंगे तो क्या आप बता पाएंगे ये पुराना घी है नया घी? नहीं, दोनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। उसी प्रकार जब ये लावा जमा है, चट्टान को धारण कर लिया, जब दोबारा लावा निकलेगा तो उसके संपर्क में पुरानी चट्टान होगी तो गल जाएगी, और गलने बाद क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, फिर धीरे धीरे ठंडा होगी। इसलिए इसमें परतों का अभाव होता है, परतों का अभाव होता, इसमें परत या संस्तर नहीं पाए जाते। किसमें? आग्नेय शैल में। ये कठोर भी होते हैं और ये अभेद्य होते हैं। इसमें जल क्या होता है, एक उस पार से उस पार नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन इसमें भी जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे अपरदन अनाच्छादन, ये चीजें पढ़ेंगे तो कभी कभी आसानी से अपरदित हो जाते। जैसे दो अग्नि शैल है, बीच में काफी दिन से जल जमा हुआ है तो थोड़ा मुलायम हो जाता है, तो अचानक से फावड़े से भी खोदा जा सकता है, लेकिन काफी दिनों के बाद। लेकिन फिर भी इसे अभेद्य भी कहा जाता है। समझ में आप लोग को? और अग्नि शैल के नीचे जितने भी धातुएं होती हैं, बहुमूल्य धातुएं, इन्हीं अग्नि शैलों में ही पाई जाती हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, मतलब जो महत्वपूर्ण, हीरा नहीं पाया जाता, सोना चांदी ये बहुमूल्य धातु है, क्योंकि हीरा तो अभी देखेंगे सेडिमेंट्री से जब मेटामॉर्फिक में चेंज होगा तब हीरा बनेगा डायमंड, लेकिन बहुमूल्य जो धातुएं होती हैं, धातुएं वो इसी चट्टान के नीचे पाई जाती हैं। समझ आप लोग को? चलिए आगे बढ़े। अब इस कुछ चट्टानों के नाम हम लिखवा रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा। जैसे इसके पहले ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, बेसाल्ट, अच्छा ज्वालामुखी से जब उद्गार होता है उसमें से बेसिया, टफ, ये सब चीजें के रूप में निकलते हैं। ये आग्नेय शैल के कुछ नाम है, कौन कौन? ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, पैग्मेटाइट, फिर ज्वालामुखी टफ, ज्वालामुखी बेसिया, ठीक है, ये सभी क्या है, इसके चट्टानों के नाम है या प्रमुख ऐसी चट्टाने हैं जो आग्नेय शैल में आती है। अब आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसे हम कहते हैं परतदार शैल। कौन सी शैल कहते हैं? परतदार, परतदार या औषादी शैल या चट्टान। अब देखिए, अब इसके नाम से यह स्पष्ट हो जाएगा ये कैसी चट्टान है। परतदार माने परतें पाई जाएंगी, और औषादी माने औषाद या मलवा। ये परतदार है, ये औषादी या मलवा, माने इस चट्टान में मलवा के जमा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है, या मलवा गंध, एक मलवा होता है, मलवा माने ये जो मलवा होता है या जो मलवा उसके जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे मलदार शैल कहते हैं। इसमें देख लीजिए, अब जैसे क्या होता है कि जब इन्हीं आग्नेय शैलों का अपरदन होता है, अनच्छादन होना, अपरदन होने के बाद जब इसका अनच्छादन यानी क्षेपण होता है, या चट्टानों का अपरदन टूटने फूटने के बाद, जब किसी स्थान पे जमा होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे औषादी शैल कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कल्पना करिए बरसात हो रही है, तो बरसात होने के बाद जब बरसात हो जाए उसके बाद देखते हैं कि सभी घर के सामने कभी खूब बारिश हो जाए, तो बारिश होने के बाद हम जाके अगर अपने नाली के पास अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि नाली में ढेर सारा पानी, जो भी सड़क का होता है, हर जगह पानी नाली में आके जुड़ जाता है। फिर नाली में ढेर प्रकार के कीट पतंगे, पत्ते, पेड़ के पत्ते, नीम के पत्ते, छोटी मोटी डंठल, चप्पल का टुकड़ा, गुटके का पन्नी, कई चीजें उस नाली में रहती हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में जैसे नाली बह रहा है, छोटा सा पत्थर आया, उसमें एक छोटा सा तिनका जुड़ा, फिर क्या हुआ, तिनके से पॉलीथीन रुकी, फिर क्या हुआ, पूरी मिट्टी रुक गई, फिर क्या होता है, वो स्थान धीरे से पूरा क्या होता है, कवर हो जाता है, फिर नाली क्या होती है, ऊपर से बहने लगती है। तो वही जो मलवा होता है धीरे धीरे जमते 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 कुछ मोटा हो जाता है, फिर जब वह नाली सूख जाती है तो हम देखते हैं वो पूरा काला पड़ जाता है, और धूप लगने के बाद पूरा छिटक जाता है, वो चट्टान का रूप, एक ठोस रूप ले लेता है। तो वही है, जब
जब क्या होता है कि मलवा का निक्षेप किसी स्थान पर होने के बाद कुछ समय के बाद उसमें दाब के बाद या कुछ वर्षों के बाद जब वह चट्टान का रूप ले लेती है, जो चट्टान के रूप में प्रतीत हो जाती है या चट्टान बन जाती है, उसे हम परतदार या अवसादी शैल के नाम से जानते हैं, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। यह भी जल के अंदर ज्यादातर बनती है, जल के बाहर भी बनती है, ये दोनों स्थान पर बनती है, स्थल मंडल पर और जल मंडल में। ठीक। और ये बहुत ब्राड रूप से बहुत बड़े रूप में बनते हैं, इनके जो आकार भी होते हैं ये बहुत बड़े रूप में होते हैं, लेकिन ये चट्टान कहीं ना कहीं आग्नेय शैल प्राथमिक शैल से भी बनती, जरूरी नहीं है कि कहां से है, इनसे भी जमती है और अलग से बनती है। जैसे नदी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, नदियों में जब हम लोग पढ़ते हैं अगर अवसादी शैल को, तो जब नदियां पर्वतों से निकलती हैं, पठारों से निकलती हैं, तो उनमें ढेर सारे पत्थर के टुकड़े होते हैं और ढेर सारे कीट पतंगे मछलियां भी होती हैं, तो उसके साथ जब वो मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है नदियां, तो अपने आप को चौड़ाई कर लेती हैं, फिर नदियां गहरा करते हुए चलती हैं, तो जब नदियां बढ़ती हैं उसमें ढेर सारे मलवा माने छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और बालू कड़ बहुत सारी चीज उसमें लटकी रहती है। ठीक। अब पता चले किसी गधा मर गया, वो भी पानी नदी में बहा दिया, कोई मछली बेचारी नहा रही थी वो मर गई, वो भी उसी में पड़ रही है, पता चला किसी का कुत्ता बेचारा मर गया तो भी लेके नदी फेंक दिया, तो भी क्या होता है, तो वो जा रहा है। तो जब नदी का वेग कम होता है धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने साथ जो मलवा लेती है उसको रखना शुरू कर देती है। पता चला पहले पतले कंकड़ को रखिए, ठीक, फिर गधा किसी का मर गया, गधा बैठ गया, फिर उसके ऊपर से पानी का चलते गया, फिर बड़े कंकड़ पड़ गए, फिर पता चला कोई मछली मर गई थी वो उसके ऊपर आ गई, फिर इस तरफ करते 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 काफी क्या होता है, वो ऊंचाई तक हो जाता है, काफी मोटा हो जाता है। ठीक। उसके बाद जब उसमें अत्यधिक दाब पड़ता है तो कुछ वर्षों के बाद वह चट्टान को रूप ले लेता है, इससे हम क्या कहते हैं, औषादी शैल कहते हैं या परतदार शैल या परतदार चट्टान कहते हैं। माने मलवा के जमने से या जमाव से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम परतदार शैल कहते हैं, इसे द्वितीयक शैल भी कहा जाता है, सेकेंडरी रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें खासियत है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म कैसे पाए जाते हैं, अब देखिए दुनिया की जितनी भी जीवाश्म आप पढ़े होंगे, कभी डायनासोर मिला, कभी पता चला राणा पिथेकस मानव का कंकाल मिला, तो जितने भी जीवाश्म फॉसिल से मिलते हैं वे इसी चट्टान के नीचे मिलते हैं, क्योंकि यह चट्टान में ही, इसी चट्टान में जीवाश्म क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। जैसे पता चला गधा मर गया, आया उसके ऊपर चट्टान जम गई, क्या होगा, कुछ दिनों के बाद वह चट्टान को रूप ले लिया, लेकिन जब चट्टान को तोड़ा जाता है तो उसके अंदर क्या मिलता है, वह जीवाश्म मिलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि परतदार शैल के नीचे ही जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल जितने भी दुनिया के जितने भी फॉसिल्स जितने भी जीवाश्म मिलते हैं वे सभी परतदार शैल के नीचे ही मिलते हैं। और इसमें परतें पाई जाती हैं, इसमें परतें नहीं पाई जाती लेकिन इसमें परतें पाई जाती है। माने इस चट्टान की खासियत और है, इसमें परत पाई जाती है, परतें दिखाई देती हैं। ठीक है, समझ में आया, इसे बता दिया आपको डायग्राम से, जैसे चट्टान को अगर कभी पढ़ना दिखे, इस चट्टान की से कभी कभी डायग्राम बना के पूछ देता है, तो इसका ये पहचान चिन्ह है चट्टान का, तीन तरह की चट्टान हमें बता रही है कि परतदार है। ये चट्टान के प्रकार हो गए, या ये बता रहे हैं कि चट्टान कितनी परतें हैं या अलग अलग प्रकार की चट्टान, इसे क्या कहते हैं, परतदार। तो इसे लिखिए परतें साफ दिखाई दे रही है, इसे क्या होता है, परतें पाई जाती हैं, इसमें जीवाश्म होते हैं, ये भेद्य होते हैं। ठीक। और इन्हीं चट्टानों के नीचे जीवाश्म साथ साथ पेट्रोलियम भी प्राप्त होता है, मतलब जितने भी पेट्रोलियम मिलते हैं वे हमें इसी चट्टानों के नीचे प्राप्त होते हैं, या इन्हीं चट्टानों के नीचे हमें पेट्रोलियम मिलते हैं। समझ में आया आप लोग को, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया जल के अंदर, अब ये बाहर ही बनते हैं। अब जैसे जब हमारे यहाँ हवाएं या तूफान चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो तूफाने चलते हैं उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर के टुकड़े होते हैं,
छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कभी कभी जब तेज तूफान या हवा चलती है तो हम तुरंत आग के सामने हाथ लगाते हैं, चेहरे के सामने, ताकि चेहरे पे कंकड़ पत्थर लग के हमारे हाथ पे लगे, और कभी कभी चोट की भी अनुभव होते हैं। तो वही जो कंकड़ पत्थर के टुकड़े होते हैं हवा के साथ लटके हुए होते हैं, और जब हवा का वेग कम होता है तो क्या होते हैं, बैठना शुरू करते हैं। तो जब बैठते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, बैठने के बाद कुछ वर्षों के बाद तो चट्टान का रूप लेते हैं, जमाव के बाद तो वो भी क्या होता है, अवसादी सेल बनते हैं, क्योंकि चट्टानों का आकार अलग अलग होते हैं। पता चला कुछ दिन हवाएं मोटे कंकड़े लेके चली, फिर एक पॉलिथीन लेके चली, तो वो जमाव के बाद वो परते बनाती चली जाती है। तो इस प्रकार के जो चट्टाने होते हैं ये क्रस्टीय जल में और जल के ऊपर धरातल पर भी बनती है, ऐसा नहीं कुल जली भाग में बनती है, ये धरातल पर भी बनती है, ये कभी मत सोचिएगा ऊपर बनती है। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, हम बता रहे हैं आपको, अवसादी सेल का सबसे प्रमुख उदाहरण है जो चीन की दीवार बनाई गई। चीन की दीवार के पहले लुएस का मैदान बनता है, इसी का उदाहरण है। लुएस का मैदान कई हजार किलोमीटर तक बनता है। जब मरुस्थलीय क्षेत्रों से हवाएं चलती हैं तो उनके हवाओं में बालू के कण होते हैं, और जब हवाएं रुकती हैं या बैठती हैं तो जब हवाओं की गति मंद होती है उसमें जो लटके होते हैं छोटे छोटे पत्थर कंकड़, वो भी क्या होते हैं, बैठना शुरू करते हैं। जब वो बैठना शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, बैठ तो गए, बैठने के बाद एक पूरे स्थान पर कई हजार या कई सौ किलोमीटर तक क्या करते हैं, पूरा बालू के कण दफन कर देते हैं। तो उसके अंदर जितने भी जीवधारी होते हैं वो भी क्या होते हैं, उसके अंदर दब जाते हैं और बेचारे मर भी जाते हैं। इस प्रकार के मैदान को क्या कहते हैं, लुएस का मैदान कहते हैं। आपने पढ़ा होगा चीन की दीवार, क्या पढ़ा आपने, चीन की दीवार पढ़ा होगा। चीन की दीवार हमने ये देखा था कि आक्रमणकारियों से रोकने के लिए बने थे, लेकिन गोभी का मरुस्थल आप पढ़े होंगे, गोभी का मरुस्थल, तो गोभी की मरुस्थल से जो हवाएं चलती थी तो वह आती थी चीन में लुएस के मैदान फैलाती थी और इससे नाबूद हो जाता था। जैसे कल्पना करें मैं जौनपुर का हूँ, अब लुएस आए जौनपुर में और पूरा क्या बालू का ढेर लगा दिया, तो इतनी मोटी अगर बालू की चादर आई तो जितनी भी गाय भैंस बकरी सब दब जाएंगी, मानव जीवन त्रस्त हो जाएगा और कई हजार लोग मारे जाएंगे। तो यह कहीं ना कहीं लुएस का मैदान जो होता है वह किसी भी जनजीवन के लिए मानव जीवन को प्रभावित करता है, मानव जीवन प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। किंतु इससे जो मैदान बनते हैं कुछ दिनों के बाद दबाव से वह चट्टान को रूप लेते हैं, जिसे मौसादी सैल कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि धरातल के ऊपर धरातल के नीचे दोनों जगह ये पाए जाते हैं। धरातल नीचे का मतलब जल में, धरातल के ऊपर माने जहां पे हवाओं द्वारा बनाए जाते हैं, माने जल और हवाओं द्वारा विशेषकर या प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण जो है वो आप लिख लीजिए चट्टान के, वह आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे लिख लीजिएगा और 75% हिस्सा, जो 75% हिस्सा, जो 75% पूरे चट्टान का अगर हिस्सा अगर हम लोग पढ़े तो वह अवसादी सेल से ही बना है। किससे बना है, अवसादी सेल से बना है। यांत्रिक रूप से देखा जाए इसके जो उदाहरण, जैसे यांत्रिकी रूप से जो तोड़ के पत्थर चट्टानों को मरोड़ कर जो सेल बनती है वो आपका आ जाएगा, देख लीजिएगा, बलुआ पत्थर, ठीक, फिर पिंडशिला चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन कहते हैं, फिर सेल, लोएस, कांग्लोमरेट, सिल्ट और मृतिका। कार्बनिक रूप से देखा जाए तो इसमें आ जाते हैं गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, चूना पत्थर तीनों मिलेगा यांत्रिकी रूप से और कार्बनिक रूप से, रासायनिक रूप से भी मिलेगा। और कोयला भी क्या है, और सादी चल का उदाहरण है। कोयला चार प्रकार के होते हैं, जानते हैं ना कौन कौन, अच्छा हाँ, कोयले चार प्रकार के होते हैं, अब बताइएगा वे कौन कौन है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, कोयले के प्रकार कितने होते हैं, सबसे बेहतर कोयला कौन सा होता है। फिर रासायनिक रूप से आते हैं भृंग पत्थर पढ़ाया जाएगा आप लोग को, चूना पत्थर, हेलाइट और पोटास। रूपांतरित रूप से देखेंगे तो रूपांतरित रूप से अगर देखा जाएगा तो अभी हम लोग देखेंगे कि इन्हीं चट्टानों का कैसे रूपांतरण होता है। हाँ, एक प्रश्न और आपको बता दें कि जो लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है यह अवसादी सेल का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक बात और आप लोग जानते रहिएगा, आपके महत्वपूर्ण आपके लिए है कि हमारे यहाँ जब व्रत रहते हैं महिलाएं या पुरुष तो उस व्रत में नमक नहीं खा जाता। उस समय कौन सा नमक खाते हैं हम सब, पता आप लोग को कौन सा नमक यूज करते हैं हम लोग, वह नमक कहां मिलता है। हाँ, तो जो हम लोग नमक यूज करते हैं, जिस नमक का हम लोग प्रयोग करते हैं वह नमक कौन सा है आप लोगों को पता है, लाहौर में मिलता है, नहीं पता है, अच्छा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसे कहते हैं सीधा नमक। तो जो सीधा नमक खाते हैं वो चट्टानी नमक होता है, वो औषधि सेल का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो औषधि सेल में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म। तो इसका मतलब कि अगर वो चट्टानी नमक है उसमें भी क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म। आजकल लोग सुरती खाने वाले हैं जो,
वो भी चूना यूज करते हैं। तो जो चूना होता है, चूना कौन सा है, औषधीय शैल, मतलब उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जो भी नमक हम इस्तेमाल करते हैं, नमक समुद्र के पानी जब किनारे पे आता है तो वहां पे क्या बनता है, नमक। नमक भी क्या है, एक पदार्थ शैल का उदाहरण है सबसे बड़ा। और क्या होता है, मशीनें उस नमक को एक जगह से तोड़कर ले जाती है फैक्ट्री में, उसे पीस के महीन किया जाता है, उसमें अलग से आयोडीन मिलाया जाता है, फिर आता है आयोडीन युक्त नमक। इन कल्पना करिए, इतनी बड़ी किसी मछली का पंख या घोंघा अगर आ गया तो जम गया, क्या कोई तोड़ के अलग करेगा, नहीं, उसी के साथ पिसता है और हम अब तक नमक पहुंचता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जितनी भी औषधि शैल या पदार्थ शैल होती है उन सभी में क्या मिलता है, उन सभी में क्या पाए जाते हैं, उन सभी में आपको जीवाश्म मिलते हैं। अब अगला पढ़ते हैं हम लोग, अगली चट्टान। आगे हम लोग पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक या रूपांतरिक सेल। देखिए रूपांतरिक सेल पढ़ते समय थोड़ा एक बात और बता दें आपको, आपको नोट्स से अगर आपको चाहिए किसी प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अथवा आप बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर सर्च करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज इन लर्निंग विद दुर्गेश है, वहाँ पे जुड़कर आप सभी नोट्स मिल सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर कॉल करके उसकी जानकारी ले सकते हैं आप, और यहाँ पे इस संस्था द्वारा आपको प्रोवाइड करा दीजिए, यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग औषधि सेल के बाद, अब आता है रूपांतरित या गायत्रित सेल। तो ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इसका नाम है रूपांतरित सेल या चट्टान। रूपांतरित या रूपांतरण सेल समझे, गायत्रित मतलब रूप का परिवर्तन होना। जब किसी भी चट्टान में अत्यधिक ताप और दाब की वजह से उसके रंग रूप में परिवर्तन हो जाए, उसके गुण में परिवर्तन हो जाए, किंतु उसका विखंडन और व्यंजन ना हो, ऐसे विभंजन या विखंडन ना हो, ऐसे बने हुए चट्टान को रूपांतरित या कायत्रित शैल या चट्टान कहते हैं। जैसे इसे मेटामॉर्फिक कल्पना करते हैं, जैसे आपने क्या लिया, मिट्टी लिया, मिट्टी को पानी से गूंथ लीजिए, फिर उसके बाद हम आग में या भट्टे में डाल देते हैं, फिर हमें क्या प्राप्त होता है, ईंट प्राप्त होता है। अब यह ईंट क्या है, रूपांतरित शैल का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन हमें इसको भी बताएं, इसमें कुछ कमियां हैं, इसके एग्जांपल नहीं ले सकते, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बताया आपको कि एक मिट्टी को कैसे ईंट बनाया गया। अभी आपको मिट्टी से मारे फिर ईंट से मारे, दोनों में क्या अंतर है, माने जब किसी भी चट्टान में अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप के बाद उसके रंग रूप गुण धर्मों में परिवर्तन हो जाए, किंतु उसमें व्यंजन या विभंजन या विखंडन ना हो, ऐसे बने हुए चट्टान को रूपांतरित शैल या कायत्रित शैल कहते हैं, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। माने आग्नेय शैल और पर्वतदाल, माने जब किसी भी चट्टान में अत्यधिक दाब और ताप पड़े। ये दाब और ताप कैसे पड़ते हैं, जैसे अब औषधीय शैल का उदाहरण हुआ कोयला। जब कोयला में अत्यधिक दाब पड़ता है तो दाब पड़ने के बाद कोयला भी रूपांतरित हो जाता है। जैसे मैंने पीछे आपको क्वेश्चन दिया था इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, पीट्स लिग्नाइट और एंथ्रासाइट, और कौन सा कोयला है, पीट लिग्नाइट एंथ्रासाइट है, पीट लिग्नाइट और बिटोविनस, ये चार प्रकार के जो आपके प्रमुख कोयले हैं, ये भी कोयले भी रूपांतरण होता है, और रूपांतरण के बाद भी कभी कभी रूपांतरण होता है। जैसे कोयला बना, कोयले में अत्यधिक दाब और ताप पड़ता है तो धीरे धीरे बदलता है, एंथ्रासाइट बदलता है, एंथ्रासाइट कोयले में जब अत्यधिक दाब और ताप पड़ता है तो किसमें कोयले बदल जाता है, कहने मतलब हीरे में, सॉरी कोयला बदल जाता है हीरे या डायमंड में। तो जो कोयला है और कोयला से क्या बना, हीरा। ये बड़ा आश्चर्यवादी, कोयला काला हीरा कैसा, तो हो गया हम लोग पढ़ेंगे अभी से डीप में पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं कि क्या प्रक्रम होता है, कैसे वो कन्वर्ट करके कैसे वो हीरे में बदलता है। लेकिन यहाँ आपके लिए वीडियो से लंबा भी हो रहा होगा, लेकिन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, यह हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ये कोई परीक्षा भारत की हो, प्रतियोगी परीक्षा में अगर इसको सम्मिलित किया गया है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा जैसे हिमालय के निर्माण देखा, जब अत्यधिक दाब या ताप पड़ता है कुछ चट्टान ऊपर बढ़ती कुछ चट्टान नीचे, तो ऊपर या नीचे दाब और ताप के बाद उसके रंग रूप वियोजन परिवर्तन के बाद चट्टान बनती, यही आपकी रूपांतरित। इसमें जो महत्वपूर्ण है उसके एग्जांपल है वो लिख लीजिएगा, ठीक, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा आग्नेय चट्टानों से बने हुए कौन से रूपांतरित सेल, तो लिखिएगा कौन से चट्टान से कौन सी बनी। देखिए ग्रेनाइट से नीस बनी, ग्रेनाइट आग्नेय सेल है, नीस रूपांतरित सेल है। बेसाल्ट, बेसाल से क्या बनी, सिस्ट बनी। फिर बेसाल से एम्फीबोल, ये सभी क्या है, ये सभी चट्टानें कैसी है, ये आग्नेय शैल से किसमें बनी है, ये रूपांतरित शैल में गई है।
फिर आगे आते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं औषधि सेल। देखिए कुछ औषधि सेल ऐसे जिनका भी रूपांतरण होता है। देखिए पहले तो आग्नेय सेल का रूपांतरण हुआ, अब देखते हैं औषधि सेल का रूपांतरण। तो औषधि सेल का भी रूपांतरण होता है, रूपांतरण माने अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप से जो उसमें परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम, रूपांतरित या मेटामॉर्फोग्राफ्स कहते हैं। जैसे उसके एग्जांपल देख लीजिएगा, सेल, सेल क्या है, औषधि सेल है। सेल क्या है, औषधि सेल। सेल से क्या बनता है, स्लेट। सेल से स्लेट, चूना पत्थर, इसे लाइमस्टोन कहते हैं। इससे क्या बनता है, संगमरमर। चूना पत्थर औषधि और रूपांतरित में क्या हो गया, संगमरमर, ठीक, मार्बल, ये हो गया लाइमस्टोन, ये हो गया मार्बल। फिर चाक या डोलोमाइट, चाक या डोलोमाइट से बनता है आपका संगमरमर। चाक, डोलोमाइट और लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, इन सभी से क्या बनता है, संगमरमर। अभी देखेंगे संगमरमर का भी रूपांतर से रूपांतरण होता है, लेकिन उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है। फिर बालुका पत्थर से क्वार्ट्जाइट, कंग्लोमरेट से क्वार्ट्जाइट, मतलब क्वार्ट्जाइट जो है कंग्लोमरेट से बनता है, बालुका पत्थर दोनों से, ये दोनों क्या है, औषधि सेल है। अब पढ़ते हैं कभी कभी रूपांतरण का भी रूपांतरण होता है। कोई चट्टान रूपांतरित होकर बन गई, उसमें भी अत्यधिक दाब अत्यधिक ताप के बाद उसमें भी परिवर्तन होने के बाद जो चट्टान का प्रतिरूप प्राप्त होता है, जो चट्टान बनती है उससे हम क्या कहते हैं, वह रूपांतरण का भी रूपांतरण होता है, माने रूपांतरित सेल से भी रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। अब इसमें कौन कौन से, स्लेट, स्लेट क्या बना, अग्नि सेल, स्लेट से आपका बन जाएगा फाइलाइट, फाइलाइट से बनेगा सिस्ट, फाइलाइट क्या बनेगा, सिस्ट, और गैप्रो से बनता है सर्पेंटाइन। गैप्रो क्या था, आपने देखा ना, गैप्रो, गैप्रो गैप्रो क्या है, ठीक, और गैप्रो से बना सर्पेंटाइन। संगमरमर में भी रूपांतरण होता है, जैसे एक संगमरमर शुद्ध संगमरमर जो होता है पूरी तरह से व्हाइट होता है, वह रूपांतरण के बाद बनता है। पहली बार जो संगमरमर बनता है उसमें पहले अशुद्धियां रहती है, लेकिन अशुद्धियां दूर होने के बाद जब अत्यधिक दाब और ताप पड़ता है तो वह शुद्ध संगमरमर जो सफेद संगमरमर होता है जिससे आपका ताजमहल बना है, क्या बना है, ताजमहल बना है। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है, अर्थात संगमरमर पीला इस समय क्यों पढ़ रहा है, यह यूपीटेट का अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया है, तो इसका आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि संगमरमर मतलब ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। चलिए तो हम लोगों ने देखा कि पहले चट्टाने तीन प्रकार की होती थी, आग्नेय सेल, औषधि सेल और मेटामॉर्फिक रॉक्स। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा सभी दोस्तों को अपने शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम लोगों ने देखा आग्नेय सेल और औषधि सेल और रूपांतरित सेल, इन सेलों के बारे में कुछ और विशेषता बता दें कि आग्नेय सेल से अपरदन होकर आच्छादित होकर क्या बना, परतदार बना, परतदार से इन दोनों चट्टानों के रूपांतरण के बाद रूपांतरित सेल बना, लेकिन इन दोनों के अनच्छादन या अपरदन के बाद फिर उनके अवसाद से परतदार बनी, फिर परतदार से फिर ये बनी, तो ये चट्टानों क्या होता है पूरा प्रक्रम चलता रहता है। मैं इसको भी बताने के लिए काफी समय और आपका चला जाएगा, वरना मैं आपको ये बताता, इन सभी चट्टाने आपस में एक प्रकार से चक्र की भांति चलती रहती है और इस प्रकार पृथ्वी का संतुलन बनाए रखती है, जिसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थोड़ा सा आपको बताते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जानते रहिएगा ये पूरा रॉक साइकिल चलती है। इस रॉक साइकिल से क्या होता है, इन सभी चट्टानों का एक दूसरे से में परिवर्तन होता रहता है, और कभी आग्नेय से औषधि, औषधि से रूपांतरण, रूपांतरण से परतदार, परतदार से फिर ये अंदर जाने के बाद फिर आग्नेय ग्रुप में आती है। इस प्रकार चट्टानों का चक्र चलता रहता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपके लिए वह बिंदु बताए जो परीक्षा की दृष्टि से या परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, जो परीक्षाओं में पूछे जाते थे, और आप सभी को मैंने एक प्रश्न दिया, उस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ताजमहल का पीला पड़ने का कारण सबसे ज्यादा क्या है, मतलब ताजमहल पीला क्यों पड़ता है, यह प्रश्न आप लोग जरूर बताइएगा। और भारत में की सबसे पुरानी सेल कौन सी है, एक बात क्वेश्चन और है, भारत की सबसे पुरानी सेल कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है। तो आप सभी साथी यह वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेज और ऑनलाइन नोट्स उपलब्ध है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे इलर्निंग विद दुर्गेश और टेलीग्राम पे भी आप जाकर नोट्स और वीडियो लेक्चर, टेस्ट पेपर सभी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।